नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की राजनीति में आज एक अलग तरह का भूचाल आ चुका है। दरअसल ये भूचाल लेकर आए हैं आरएसएस के लोग। दरअसल अभी क्या है कि आरएसएस की एक समन्वय मीटिंग चल रही है, जो ये वार्षिक रूप में चलती है। ये केरल में चल रही है 3 दिवसीय, और जिसका आज समापन हो गया, आज ये पूरी कंप्लीट हो गई है। उसमें एक मुद्दा इन्होंने उठा दिया है, जातिगत जनगणना का। तो जातिगत जनगणना जो होने जा रही है, इसका दबाव काफ़ी टाइम से विपक्ष बना रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अभी पूरी तरह से ना ही एक्सेप्ट कर रही थी, ना ही उसे खारिज कर रही थी। यहाँ तक कि जो एनडीए के घटक दल हैं, जैसे कि रामविलास पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान, उनकी जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उस पार्टी ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। तो ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, इसके लिए काफ़ी दबाव बनाया जा रहा था। तो आज फाइनली आरएसएस की जब वो समन्वय मीटिंग कंप्लीट हुई, तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वहाँ पर इन्होंने ये बोला कि आरएसएस चाहती है कि जातिगत जनगणना हो और इसके जो भी नतीजे हों ये सामने आए, लेकिन इन्होंने एक उसमें शर्त लगा दी। उनका ये कहना है कि इसके जो भी आंकड़े हैं, इसका कोई भी तरीके से गलत यूज नहीं होना चाहिए, मतलब इसका राजनीतिक कोई लाभ नहीं लेना चाहिए किसी को भी। इसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लोगों को मिलना चाहिए जो जातियां किसी भी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उनको सरकार की योजनाओं का उनको लाभ मिले, वो आगे बढ़ें और अपने जो भी निचला स्तर है उससे वो ऊपर आएँ, ताकि उनके अंदर बदलाव आए, वो आगे बढ़े, ताकि देश आगे बढ़े। ऐसा आरएसएस का कहना है। आरएसएस ने जो अपनी बात रखी वो इस टाइप से रखी है, लेकिन इसको विरोधी दलों ने कुछ अलग तरीके से ले लिया इसी बात को। अब जैसे कांग्रेस ने एक ट्वीट कर दिया, ट्वीट उन्होंने ये किया इसी बात को लेकर के कि आरएसएस जातिगत जनगणना का विरोध करती है और ये गरीबों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के खिलाफ हैं। ये नहीं चाहते हैं कि उनको उनका हक मिले, और ये कांग्रेस प्रॉमिस करती है कि ये भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं कर पाएगी और इसको हम लागू करेंगे और लोगों को इसका लाभ देंगे। ये कांग्रेस का कहना है। हालांकि आरएसएस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, लेकिन अब उन्होंने इसका मतलब कैसे निकाल लिया उल्टा सीधा, ये कांग्रेस के लोग जाने। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो इन्होंने ट्वीट किया है। तो ये तो बात रही दोस्तों आरएसएस की और कांग्रेस की। अगर हम दूसरे दलों की बात करें और खुद भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे बहुत ही संभल कर चल रही है। वो किसी भी तरीके से इसमें रिस्क नहीं लेना चाहती है, और वो ये बहुत ही, क्योंकि उसको नुकसान हो चुका है आरक्षण के मुद्दे पर। ये बिहार का चुनाव हार चुके हैं, और 2024 में ये जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, इसमें उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। तो वो किसी भी तरीके से रिस्क लेना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खिलाफ़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुलकर इसके लिए समर्थन में भी नहीं आई है। ना वो खिलाफ़ में दिख रही है, ना वो समर्थन में दिख रही है, क्योंकि अभी उन्होंने अपना कोई स्टैंड इस पर लिया नहीं है प्रॉपर, जिससे जनता के समक्ष एक मैसेज जाए। अच्छा, दूसरी तरफ और जो विपक्षी दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई, और जितने भी पार्टियाँ हैं, ये सभी दल सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं आपको जातिगत जनगणना करानी चाहिए और इसका लाभ उन जातियों को देना चाहिए। हालांकि मनसा उनकी ये तो नहीं लगती है कि इससे किसी को भला हो, वो ये देखना चाहते हैं कि सब ये पॉपुलेशन पता लग जाए कि किस जाति के कितने लोग हैं, ताकि वो उसके हिसाब से अपने कैंडिडेट उतार सके आने वाले चुनावों में, और उसी हिसाब से वो राजनीति कर सके। कोर एजेंडा विपक्षियों का यही है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो यही चाहते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी को भी इतना सोचना नहीं चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, तो हम किसी भी गांव में चले जाएं, गांव के हर एक बंदे को ये पता है कि हमारे गांव में कितने लोग हैं, इसमें किस जाति के कितने घर हैं, किस जाति के कितने घर हैं, कितने इसमें अगले हैं, कितने इसमें पिछड़े हैं, पूरे गांव को ये बात पता होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मालूम है। तो जब गांव के लोगों को, लोकल लोगों को सब पता है, तो
तो वहाँ जो विधायक और सांसद लोग होते हैं उनको भी पता होता है कि यहाँ पे इतने ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने दलित हैं, सब पता होता है। और उसी हिसाब से टिकट भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि राजनीति में टिकट किसी और तरीके से दिया जाता है। तो जब ऑलरेडी कोई चीज़ उपलब्ध है तो आपको जातिगत जनगणना करा लेने में क्या दिक्कत है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी अब इसके बारे में सोच भी रही है, अब उनको RSS की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि हाँ इसको कराया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वहाँ तक हो सकता है कि ये जातिगत जनगणना करा ली जाए। अच्छा, ये सबसे पहले कराई थी अंग्रेज़ों ने 1931 में, और उसके बाद अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह की सरकार में भी इसको कराया गया था 2011 में, लेकिन उसके आंकड़े सामने नहीं रखे गए। अब मुझे एक चीज़ ये भी नहीं समझ में आ रही है कि आखिर इन्होंने आंकड़े सामने क्यों नहीं रखे, जनता के सामने क्यों नहीं रखे। जब आपने करा लिया है वो जो भी है जनता को पता लगना चाहिए अगर आपने कराया, नहीं तो आपको पैसे खराब करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी जनगणना तो आप करा ही रहे हैं, उसमें एक कॉलम आप जातियों का भी रख दीजिए तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग किस जाति के हैं। और इसको सार्वजनिक भी करिए इस आंकड़ों को, ताकि लोगों को पता लगे कि किसकी कितनी भागीदारी है इस समाज में, वो उसकी संख्या कितनी है और उसकी भागीदारी कितनी है, पता लगना चाहिए ना। अगर मान लीजिए OBC है कोई और SC कैंडिडेट है तो उसमें भी तमाम जातियाँ हैं, तो ऐसा तो नहीं है OBC वर्ग में जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो कुछ सेलेक्टेड जातियों को मिल रहा है, नीचे और भी जो जातियाँ हैं उनको नहीं मिल रहा है, तो लाभ उनको भी मिलना चाहिए जो ऊपर वाले ले रहे हैं लाभ। क्योंकि कुछ सेलेक्टेड मान लीजिए 100 जातियाँ हैं OBC में और लाभ उस 100 जातियों में सिर्फ 10 जातियों को मिल रहा है, तो 90 को भी तो लाभ मिलना चाहिए। तो कुछ ऐसा हो कि 90 लोगों को भी लाभ मिले जैसा कि 10 लोगों को लाभ मिल रहा है, ऐसे ही SC कैंडिडेट कोई हो, SC में जो जातियाँ हैं उनमें भी ऐसा होना चाहिए। तो लाभ भरपूर सभी को मिलना चाहिए, जो पिछड़ा है उसको आगे लाना चाहिए। जो अगर ये सोच है कि पिछड़े को आगे लाना है तो तरीका यही है कि पुराने जो भी रह गए हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिला आरक्षण का या किसी भी दूसरी सरकारी सेवाओं का, तो उसको इसका लाभ मिलना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए और उनको इसका पूरा भरपूर लाभ मिले। और जितनी भी सरकारी योजनाएँ हैं वैसे तो लोग इसका लाभ ले लेते हैं जिसको, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर लग रहा है कि किसी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आप वो उपाय करिए ताकि उनको सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनके प्रॉपर उसका लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जाए जो जिसके लिए योजना ये बनी हुई है। एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, ये समझ लीजिए, ये किसी भी सरकार को बना भी सकता है और ये किसी भी सरकार को नीचे गिरा भी सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज़्यादा सतर्क है, क्योंकि उसको कई बार चुनाव में इसका नुकसान हो चुका है। कभी RSS के लोगों ने कुछ बोल दिया है तो कभी इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद कुछ बोल दिया है, उसका भारतीय जनता पार्टी नुकसान उठा चुकी। तो अब वो चाहती नहीं है कि किसी भी तरीके से इसमें गड़बड़ हो। अब आपको देखने को मिलेगा कि जातिगत जनगणना जो हो रही है होगी, इसमें कुछ ना कुछ एक्शन जरूर सरकार अच्छा ले लेगी जिससे लोगों को भला हो। और ऐसे ही एक मुद्दा और काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, वो मुद्दा है पेंशन का, ओल्ड पेंशन की बहाली का, जो कि केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है पुरानी पेंशन देने के लिए। अब उसका नए ये स्वरूप लेकर आ रहे हैं लेकिन अभी वो लोग एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, तो उस पर भी इनको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि उससे भी इनका बहुत नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। तो दोस्तों अब इस पर देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट आता है, जैसे भी कुछ और अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।